जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एक बार ओम चो में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ जाएं। फेसबुक, ट्विटर, आप जहाँ चाहें वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं, और जो भी आपकी राय हो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके सामने अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत हताश है, निराश है, चाहे जीवन के किसी भी पहलू पर, पारिवारिक स्थिति हो या कोई व्यवसाय में, नौकरी में, या कोई आप तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी समय आप हताश अगर हो चुके हैं, तो मेरी ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। या आपका कोई मित्र, सखा अगर हताश हो चुका है तो उसे भी आप ये जानकारी दे सकते हैं। तो आप ज़रूर पूरी वीडियो को देखें और जानकारी जानें। पहली बात कह देना चाहता हूँ, बहुत से लोग होता यह है कि हम जिस भी विषय में परेशान हैं, उस विषय में हमें बराबर ज्ञान ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगर हमें पूरा ज्ञान हो, टेक्निकल ज्ञान हो, उसका सही तरीके से मैनेज हम कर पाएँ, तो ये भी एक बहुत अच्छा उस सिचुएशन से निकलने का काम है। जैसे कई बार व्यवसाय में हम बातों को समझ ही नहीं पाते हैं और बस चलते रहते हैं, और जो नया बदलाव होता है हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो पहली बात कि जो भी आपकी परेशानी हो, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसका ऑब्जर्वेशन आप करें कि ये परेशानी की वजह क्या है और ये परेशानी का हल क्या है, त्वरीय हल और इसका लॉन्ग टर्म, लंबे समय का हल और अभी क्षणिक हल क्या है। अगर हम इन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्द उससे बाहर आ पाएंगे। दूसरी बात है, हालात ख़राब है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नेगेटिव हो जाएं। बिल्कुल नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना नेगेटिव होंगे उतना आपके हालात आपके ऊपर हावी रहेंगे। दूसरी बात याद रखना, आप जितना पॉजिटिव रहेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरी बात है कि हम जब खाली दिमाग शैतान का घर, ये कहावत आपने सुनी होगी, ये बिल्कुल तथ्यपरक और बहुत सही बात है। दिमाग और मस्तिष्क को खाली कभी मत रहने दें, कुछ ना कुछ किया करें। जब तक आप कुछ करते रहेंगे, आपके मन में वो ख्याल नहीं आएंगे, उन ख्यालों से आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा और आप अपने खुद के स्वभाव में लौट जाएंगे। तीन जो बातें हैं इनको आप फॉलो ज़रूर करें। चौथी बात है कि हम ईश्वर के प्रति, हमारा ताना बाना ऐसा हो जाता है कि एक लड़ाई जैसा हो जाता है कि हे ईश्वर, हम हमेशा आपका नाम लेते हैं, हमें हमेशा आपका भजन करते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि ये आपकी परीक्षा के क्षण हैं, और जब परीक्षा होती है तब अपने मास्टर भी अपने साथ होते हैं, लेकिन वो भी हमें नहीं बताते क्योंकि परीक्षा का समय है। तो इस परीक्षा में आप खुद को परीक्षा देना है और इन चीज़ों से बाहर आपको निकल के आना है। छठवीं चीज़ है कि हम जो भी नवाचार हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं कि जीवन जो पुरानी बीत गई, हम बहुत ऐशो आराम से रहे, तो इसका मतलब नहीं कि हम अब कुछ करना नहीं चाहेंगे। ये जितनी मिथक है इन्हें छोड़ें, आपको ज़मीन पर उतरना होगा, जो आपके मन में है उसे करना होगा। और सातवीं चीज़, शर्म दुनिया क्या कहेगी, ये चीज़ आदमी को कभी विकासशील और कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। ये बात को भी दिमाग से निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे और क्या होगा, कैसे होगा, ये चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ भी अगर आप सोचेंगे, अगर ये चीज़ पर भी काम करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। आपको दुनिया की कोई परवाह नहीं, आपको क्या करना है खुद को सोचिए। आपके ख़राब हालात में कोई अब तक नहीं आया तो दुनिया की क्यों परवाह करना है। आपके पास पैसा होगा, आपकी शोहरत होगी, तो सब लोग वापस आएंगे। एक और बात है कि हमेशा ईश्वर का जप करते रहें, क्योंकि उसका जप कभी निरर्थक नहीं जाएगा। हम साथ में केवल हमारे जप ही ले जाते हैं, ना धन दौलत शोहरत कुछ नहीं ले जाते, इवन यहाँ तक कि हमारे जो कपड़े होते हैं वो भी नहीं। तो जप हमेशा करें। देखिए दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें इसे। लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट्स में जय श्री महाकाल या जो भी आपकी राय हो ज़रूर लिखें। तो कमेंट्स करते रहें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।